चलिए, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ कनाडा से, और आपका नाम है सुरेंद्र सिंह देसाई। ओके आप ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को, कहाँ से? इटली से बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल, इटली से। देसाई साहब? आप इटली कैसे पहुंच गए? कितने साल हो गए इटली रहते हुए? करीब 19 साल हो गया साहब, इधर मालपेंसा एयरपोर्ट के पास ही हूँ। 19 साल हो गए। ये कितना हुआ? चिंक्वांता है नहीं? चिक्वांटा सत्य आने आदेश से। चिंक्वांता सेते। अच्छा, फिर उसके बाद अब वेंती हो जाएगा। वेंती यानी हो जाएगा, हाँ, वेंती यानी। तो क्या करते हैं, जॉब वगैरह, बिजनेस क्या करते हैं देसाई साहब आप यहाँ? नहीं नहीं साहब, बिजनेस तो नहीं है, और वैसे ही जॉब करता हूँ एक ही जगह पे, 18 साल हो गया करीब। किस चीज का नौकरी और है? वो सी फूड का, सी सी फूड क्या काम करते हैं, समझाएं थोड़ा सा। वो जो फीस आती है ना फ्रोजन वाली, वो इसमें मैं, मैगजीन बहुत बड़ा है होलसेल का, इसमें मैं मैगजीन में प्लान में हूँ, और वो फॉकलिफ्ट चलाता हूँ, सारा ऑर्डर माल निकालना, ये करना, जैसे वो होलसेलर बड़ी दुकान है। तो आप अच्छा फोर्कलिफ्ट चलाते हो? अभी सी फूड का हाँ प्रोसेसिंग तो नहीं करते आप, फोर्कलिफ्ट चलाते हो ना? हाँ हाँ अंदर वो भी मैं अंदर सारा माल एडजस्ट करता हूँ, सारा ऑर्डर लेता है, वो माल निकालता हूँ, सब कुछ अंदर। अच्छा, तो मतलब क्या आपको, अगर हम कहें नौकरी के जो ऑक्यूपेशन में अगर कहें, तो आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो? हाँ, लाइसेंस भी है मेरे पास। अच्छी बात है। सो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर आप यहाँ पर 18 साल हो गए काम करते हुए। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी तनख्वाह कितनी है, अगर आप बुरा ना माने बता सकते हैं नहीं तनख्वाह नहीं ये नहीं लोग? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आज साहब, आपको तो मैं सही, मैंने वीडियो सारा आपको देखा है, मैंने सबका, पिछले ठीक हफ्ते है भी, ठीक 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ। वो है, मेरा है 1450 है, सही बता रहा हूँ। सही बता। 1450 आपका हाँ, बनता है जो तनख्वाह वहां पर। और ठीक है, हर तो महीने। आप, आपके पास ये बताएं कि इतने साल हो गए, आपके पास ईयू का पासपोर्ट है कि नहीं है, इटालियन पासपोर्ट है कि हाँ नहीं? हाँ 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 दोनों के पास, मेरी वाइफ के पास, मेरे पास भी है पासपोर्ट, है दोनों अच्छी का। बात है। और आपके आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है, वो तो बड़ा है, वो दोनों अलग रहते हैं, खुद का घर है, अच्छा, बेटे उनके बेटे का भी। मतलब इंडिपेंडेंट हो गए वो? हाँ सब, हम अकेले रह गए दोनों, मियाँ आपको बीवी अकेले रह गए दोनों? बस मियां भी अकेले रह गए। अभी। आप ये बताएं कि आप तो वहां पर ईयू का पासपोर्ट है, ईयू का पासपोर्ट में अगर मैं आपसे, शायद मेरी इतनी जानकारी नॉलेज नहीं है, ईयू के पासपोर्ट में तो आप यूरोप में कहीं भी रह सकते हैं, स्विट्जरलैंड, हाँ नॉर्वे, जर्मनी वगैरह जो भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि इससे पहले कि हम आगे बात करें, मेरे को आप ये बताएं, पर्सनल सवाल ये बताएं कि कई मेरे को लॉयर्स, इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट्स यूरोप से मेरे को कॉल करते हैं, और वो मेरे को ये कहते हैं कि हमें आप क्लाइंट्स दो के उनको वो यूरोप का पासपोर्ट दिला देंगे, हाँ कि आप माल्टा में, पोर्चुगल में, ऑस्ट्रिया में, स्पेन में कहीं पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का बताते हैं, वो कोई 2 लाख 3 लाख यूरो समथिंग बताते हैं कि मेरे को, कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां को उनको यूरोप की रेसिडेंसी मिल जाएगी, और उसके बाद कुछ सालों हाँ बाद हाँ यूरोप का पासपोर्ट मिल हाँ जाएगा। तो यूरोप हाँ में, देखो यूरोप में यू, वो, एक सेकंड मैं बात पूरी कंप्लीट कर लूँ आपकी, बोलो तो बोलो। वो उनका मतलब ये है कि यूरोप में बहुत खूबी है लोगों के पास, जिनके पास पैसा है उनको आके यूरोप में इन्वेस्टमेंट करके पक्का होना चाहिए, पक्का होने के बाद उनको यूरोप पासपोर्ट मिल जाएगा, और जब यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाएगा तब उनके खुशहाली ही खुशहाली और मजे ही मजे हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, आप तो स्टेट से निकल चुके हो, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट भी है, फिर भी आपको कैनेडा की याद कैसे आ रही है? मैं सही सही बात बताऊं मैं साहब, बता दें आप, क्योंकि सही बता दें। पहले जैसा इतना काम नहीं है हमारा, मालिक के पास थोड़ा काम माड़ा है, अभी इतना नहीं है। फिर अभी मेरे पास 10-11 साल का वक्त है, अभी अभी मैं 11 साल काम कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। कितनी उम्र है अभी? इसलिए इसलिए मैं सोचता हूँ, अगर कनाडा में कुछ होता है तो फिर रिश्तेदार भी है टोरंटो में, वो बोलते हैं कि तुम इधर आओ, मैं बोला अगले साल आऊंगा, सोचता हूँ ये साल तो नहीं, कोविड-19 वजह से शायद मैं अगले साल जरूर आऊंगा। 57, उम्र उम्र कितनी है आपकी? 57 आपकी उम्र है। चिक्वांडा सत्य आने, थोड़ा मैं फ्रेंच भी चिकन जानता हूँ, थोड़ा फ्रेंच भी जानता हूँ मैं। कितना जानते हैं? फ्रेंच का एग्जामिनेशन ले ले पाएंगे आप?
ओ मैं 6 साल निकाला है पेरिस में, पूरा पेरिस घुमा हूं मैं 6 साल। अच्छी बात है, पेरिस घूमे 6 साल। मेरे को भी पेरिस जाना हुआ एक दो बार। मैं वहां पर पेरिस में देखा आईफिल टावर के नीचे बहुत सारे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी लोग ओ वहां छोटे बॉस छोटे बेचते हैं। बिल्कुल, मेरे हाँ एफिल को टावर सब कुछ बड़ी देते हैं। बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग कहाँ से आ गए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम तो इलीगल बैठे हैं, कितने सालों से इलीगल हैं वहां पर, छोटे छोटे वो ट्रिंकेट्स बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं बिल्कुल आईफिल टावर के बिल्कुल, नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एफिल टावर, बारबस, वो सोंजेलिस बड़ा, वो जो घूंघट है वो सोंजेलिस, सारा पेरिस तो सब। मैं 6 साल निकाला हूँ, 6.5 साल, फिर भाई मैं साहब, 90। हाँ बोलो। आपको थैंक यू, मैं समझ गया। ये बताइए कि आपको फ्रेंच का टेस्ट आपने लिया है कि नहीं? फ्रेंच का टेस्ट ले लेंगे, आपके कितने मार्क्स आएंगे फ्रेंच में? नहीं वो सारा मैं बात तो समझ सकता हूँ, जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन 18 साल हो गया तभी थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तभी मेरा काम फ्रेंच में फिर शुरू हो जाएगा। सर जी, मैं हाँ आपको मतलब की बात बता रहा हूँ, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। अगर आप हिम्मत करके अगर फ्रेंच का टेस्ट ले लेंगे, जिसको हम कहते हैं कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, अगर आप CLB 7 तक ले लेंगे फ्रेंच के टेस्ट में, तो आपकी चांदी हो जाएगी, लॉटरी खुल जाएगी। कैसे? उसके लिए आपको अगर कोई जॉब ऑफर मिलता है तो आपको LMIA की जरूरत नहीं है। बस इतना मेरा इशारा काफी है। अगर आपको हाँ कोई जॉब ऑफर मिलता है तो आपको LMIA के बगैर फ्रेंच के टेस्ट के बेस पे आपको वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा क्यूबेक से बाहर। इतना तो पहले ही है। दूसरी हाँ बात यह है कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, शायद आप शायद देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, मैं कोशिश तो करूंगा। देखता हूँ कि स्क्रीन पे क्या है। आपका जो प्रोफेशन है उसको हम कहते हैं मटेरियल हैंडलर, हाँ इसको कहते हैं मटेरियल हैंडलर, और ये है 7452, इसका NOC कोड है। अगर आपको याद करना है तो जिंदगी में कभी काम आएगा। कनाडा वालों से बात करेंगे तो उनसे बोल सेवन देंगे कि फाइव भाई स्क्रीन पे सब देखें आप, स्क्रीन पे एक देखो आप, एक मिनट में चश्मा पहनता हूँ। हाँ एक चश्मा मिनट। पहन लें, चश्मे की जरूरत हाँ पड़ हाँ जाती है। हाँ स्क्रीन कभी बहुत, हाँ बिल्कुल अभी देख रहा हूँ मैं। देख रहा है स्क्रीन पे, 7452। हाँ, 7452 देख लिया हाँ, मैंने। हाँ 7452 आपका ये जॉब कोड नंबर है, और ये काम आप करते हैं, आप फोकलिक ऑपरेटर करते हैं, और इसका जो भी हाँ कुछ है सब दिया हुआ है। क्या करते हैं इसके लिए? आपकी प्रॉब्लम ये है कि 7452 जो है ये एक अनस्किल्ड जॉब हमारे में है कनाडा में, इसको स्किल जॉब नहीं कहते। तो इससे आपकी जो PR वगैरह लगेगी नहीं, ये प्रॉब्लम है। मटेरियल हैंडलर जिसको कहते हैं, इसे हाँ PR नहीं लगेगी, ये प्रॉब्लम है। तो आपको आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल जॉब मिलना चाहिए। मटेरियल हैंडलर की जॉब से आप PR नहीं बन पाएंगे, अगर आपको PR बनना है तो। ये है चक्कर। अगर आपको कोई जॉब दे रहा है, जो टोरंटो वाले जो फ्रेंड हैं आपके, जो बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं इधर आओ, हाँ वो क्या जॉब वॉब दे रहे हैं कि कुछ है चक्कर है आपको कि नहीं? नहीं, मैं सिर्फ हम घूमने के लिए आ रहे हैं, तभी हमने बताया है, सारी अभी बात नहीं बताई है हमने कि सारी हम बातें घूमने। बताई। बोला आ जाओ, और बोला हम आपको भेजेंगे डॉक्यूमेंट सारा, फिर आप हमारे घर पे आ जाना। मैं बोला ठीक है। वो राजपूत ही है, हमारे जात का है, हम राजपूत है सब, गुजरात का। ठीक है ठीक है, चलिए। आप ऐसा करो कि उनको जाके घूम के आओ, देखो वहां पर घूमो, जाके पता करो क्या होने वाला है, और उसके उसके बाद देखना। अगर आपको कोई जॉब का चक्कर बन जाएगा तो आपको एक स्किल जॉब चाहिए। अगर आप बिल्कुल क्यूबेक, अगर आप फ्रेंच बोलते हो तो फ्रेंच की बेसिस पे, फ्रेंच के लैंग्वेज के टेस्ट के बेसिस पे आपको बगैर LMIA के वर्क परमिट इश्यू हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर आपको जॉब करनी है तो कर सकते हो। बाकी तो बिल्कुल और कोई तरी और आपके लिए और कोई तरीका नहीं है बदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो ये चक्कर है। मैं सब। मैं आपको ये बता दूं, एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके और आपके दोस्तों के लिए भी ये काम आएगा बिल्कुल कि जो लोग फ्रेंच सीखते हैं, जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रेंच सीख के टेस्ट देते हैं, उनको अगर जॉब ऑफर मिलती है, ठीक है, ओ हाँ, तभी उनको बहुत अच्छा मैं होता है। बात बात मेरी सुन ले पहले ध्यान से, बड़ी बड़ी पते की बात है, फिर फायदे आएगी। अगर अगर कोई भी इंसान जिसको जॉब ऑफर मिलती है कनाडा में, ये मैं कई बार इंडिया में भी बता चुका हूँ लेकिन लोग समझते हैं कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको आपको किसी को भी अगर कोई चीज नहीं आती तो वो सारे काम छोड़ के फ्रेंच सीखना शुरू करते हैं। बिल्कुल अगर कोई फ्रेंच बोलता है और फ्रेंच का टेस्ट में ले सकता है CLB 7 एटलीस्ट,
तो उसको जो जॉब मिलेगी क्यूबेक के बाहर अगर रहेगा तो बगैर LMIA के डायरेक्ट वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा। और इस वक्त जो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है वो फ्रेंच वालों को ढूंढ रहे हैं कि भैया हमें कोई फ्रेंच वाले मिले तो सही। अगर आप फ्रेंच बोलते हो, एक जो आपकी जो कैनेडियन एम्बेसी है फ्रांस में पेरिस में, वो लोग तो एक्चुअली लोगों को हेल्प भी करते हैं, वो मदद करते हैं कि भाई हमें जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं अगर वो जॉब करना चाहें तो उनको कैनेडियन कंपनी से कनेक्ट कराते हैं वो। जैसे अगर किसी कैनेडियन कंपनी को वर्कर्स चाहिए हैं तो वो जाके, अगर उनको फ्रेंच वर्कर्स चाहिए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो जाके वहाँ की जो एम्बेसी है वहां से उनसे बोलते हैं कि भाई आपके पास कोई लोग हैं तो दे दें। तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ की कंट्रीज में फ्रेंच बोलते ही बोलते हैं, मतलब पैदाइशी बोलते हैं। जैसे फ्रांस तो है ही है, बेल्जियम है, बिल्कुल आपको बिल्कुल पता है फ्रांस में बेल्जियम में फ्रेंच ओ बोलते ही बोलते हैं, हाँ मोरक्को हाँ है। एक एक ही है, एक ही लैंग्वेज। हाँ हाँ मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, तीन चार और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सुन लें। फ्रांस है, बेल्जियम है, मोरक्को है, टूनिसिया है, अल्जीरिया है, ये सब अफ्रीका की हाँ कंट्रीज हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपको हाँ वो सब फ्रेंच बता चलती दें है। पहले हाँ बिल्कुल फ्रांस लोग राज करते थे, आइवरी कोस्ट है, कैमरून है, मॉरिशस भी है, हाँ इवन मॉरिशस भी है। मैक्सिको से भी, इवन मैक्सिको से भी। अगर कोई इंसान, मैं दोबारा से बोल देता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई भी एप्लीकेंट सारी दुनिया में जहां भी कहीं रह रहा है, अगर उसको कनाडा में काम करने की एक एक उसमें लगन है कि कनाडा में काम करना है, तो उससे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई साहब फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो तो काम आपका इजी बन जाएगा, आपको LMIA की तरफ से गुजरना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना कहना बिल्कुल था आपके लिए, मेरे को सिर्फ इतना ही है कि आप पहले टोरंटो जा रहे हैं, वहां घूमे घामे देखे जरा, वहां पर आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें आपको क्या करना है, रहना है क्या नहीं है। पर मेरे को ताज्जुब इतना है, इतना मेरे को ये ताज्जुब है, देखिए मैं यहाँ पर कनाडा में रह रहा हूँ काफी साल, 13 साल हो गए, और मेरे को कई लोग यहाँ कहते हैं कि भाई यूरोप जैसी दुनिया में जगह नहीं है जी, यूरोप बहुत अच्छा है जी, यूरोप में जी स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, वो तो दुनिया का हाँ हेवन है, पैराडाइस है ओ स्विट्जरलैंड, और वहां पर जी नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, वो तो जी नंबर वन कंट्रीज है दुनिया की। लेकिन आप उस नंबर वन डेस्टिनेशन में रह रहे हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, लेकिन आपका दिल लग ओ रहा है कनाडा में, जो कनाडा रह रहे हैं उनका दिल लग रहा है वो है। असल में बात यह है कि जिंदगी में कभी कोई संतुष्टि किसी को मिलती नहीं आज तक। बिल्कुल बात सही बना है आपने 100%। क्योंकि सब मेरे घर से वो स्विट्जरलैंड वाली बॉर्डर 45 किलोमीटर है, हम हर 2-3 महीने मैं और मियाँ बीबी दोनों जाते हैं शॉपिंग के लिए वहाँ। वो समझिए आप, बड़ी देखो हाँ आप खुश नसीब हो कि जो कैनेडियन सिटीजन यहाँ बैठे हैं, जो सारा दिन काम कर रहे हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं, वो हैं, वो सपना देख रहे हैं कि हम कब स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड में जो रहते हैं आप भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, आप तो वहां रह सकते हैं यूरोपियन पासपोर्ट में। स्विट्जरलैंड वाले और इटली कोई वाले, भी जगह पे रह सकते। हाँ कोई भी जगह पे रह सकते चल हम। जी आप तो फिर कमाल कर दिया, आपने इतने इतने बड़े स्वर्ग को छोड़ के आप पर यहाँ पर आ रहे हो आप। क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर कल काम नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि साहब इधर तो यूरोप है, हर रोज 2.5 महीना वो लॉकडाउन हुआ था, इतने परेशान हो गया था, फिर भी पगार थोड़ा कम मिला, आधा पगार, लेकिन काम चल गया। अगर कल काम नहीं मिला तो फिर हम क्या वो तो फिर सोचेंगे, वही कनाडा में भी सोच हो रहा हूँ। सकता है, हाँ वो हाँ पगार की प्रॉब्लम और नौकरी की प्रॉब्लम तो कनाडा में भी हो सकती है फिर। फिर भी कनाडा बहुत आगे है, इटली से बहुत आगे। मेरे को सुन के ना ये बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं, जब इतने इतने बड़े बड़े अच्छी अच्छी जगह में बोलने रहने वाले, स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाले लोग बोलते हैं कनाडा बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ग से भी अच्छी जगह है, तो मैं तो स्वर्ग में बैठा ही हूँ कितने सालों से, और कितने मेरे दोस्त मित्र यार हैं जो बैठे हैं वो यहाँ पर, कभी कभी कई बार वो कंप्लेन भी करते हैं, यार नौकरी की प्रॉब्लम है, यार पैसे की प्रॉब्लम है, यार इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, यार क्राइम हो गया उसकी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, स्वर्ग में बैठे बैठे भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। मैं सब सही बता रहा हूँ। मैं भगवान के सामने बैठा हूँ, मंदिर के सामने झूठ नहीं बोलता। मैं अकेला काम करता हूँ, बीबी के पास जॉब नहीं है, अकेला यूरोप में बचता कुछ नहीं है, सेविंग कुछ नहीं होती है, क्या करे फिर। और सारा पगार खर्चा घर का, गाड़ी है, गाड़ी खर्चा, ये खर्चा, घूमना बस। अगर दो काम करेगा, बीबी भी थोड़ा कोई हाउस काम का काम करेगा, कोई भी लिविंग लिविंग कोई कोई काम मिल गया तो भी वो 1,000-1,200 डॉलर ले आएगी, मैं भी ले आऊंगा 2,000-2,500 डॉलर, तो फिर दोनों काम करेगा तो अच्छा गुजारा होगा। इसीलिए वही सोचते हैं और कुछ ब्रदर नहीं। ऐसा है भाई साहब के
डिड यू से योर एज वाज 57 53 57 हाँ 57 सो मेरी भी एज आपसे ज्यादा फर्क नहीं है, मेरी एज 53 है इस वक्त। तो मेरा कोई व्यसन नहीं है, कभी नहीं जिंदगी में मैंने हाथ हाथ नहीं लगाया कोई चीज को, पीना धूम्रपान सिगरेट कोई नहीं, बियर बियर कुछ नहीं अभी तक, नहीं 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 भगवान के दया से अभी चलता है ठीक। क्या बताऊं मैं आगे इसके आगे क्या कहूं। कनाडा की एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, कनाडा और अमेरिका भी, चलो आजकल शायद अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कनाडा ऐसा एक चुंबक है जो सारी इस पृथ्वी के सारे लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ। अब वो कितने साल चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। कनाडा में भी बेरोजगारी इस वक्त चल रही है काफी कुछ, लेकिन बेरोजगारी तो मेरे ख्याल हर जगह ही होगी शायद। तो एक एक साहब मेरी विनती है, मैं दो तीन दिन पहले किसी को फोन किया था, रो ऑफिस में क्या बोला मेरे को सेक्रेटरी ने वो कनाडा से कि पहले साहब से बात करने के लिए $100 भरना पड़ता है फिर आप बात कर सकते हैं, बोला दो दफा। मैं बोला ऐसे कि बात बात करने का भी $100 भरना पड़ता है, बोला हाँ पर वो बात नहीं होगी, बोला ठीक है। I'm sorry, hold on, किसे बोला आपने? वो सेक्रेटरी ने ऑफिस से बोला मेरे को, फिर मैं बोला बात ऑफिस में। सर जी एक मिनट, किसके ऑफिस में? वो पता नहीं, वो नंबर कनाडा का ही है, फिर मैंने छोड़ दिया, डिलीट कर दिया नंबर। फिर एक सेकंड जल्दी आप चले गए, I'm sorry, आपने किसी लॉयर को कांटेक्ट किया कनाडा में? हाँ ऐसा ही होगा कोई नंबर। हाँ, उन्होंने आपको बोला कि $100 आपको भरना पड़ेगा, तो सभी चार्ज करते हैं कनाडा में, तो सभी कंसल्टेशन भी चार्ज करते हैं, तो लेकिन आपने कहा कि नहीं वो अच्छा नहीं है, मतलब क्या फीस नहीं पे, क्या कहा आपने? वो बोला कि बात करने के लिए पहले $100 भरना पड़ता है, बोला। तो मैंने बोला बात सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बोला हाँ फिर आप साहब से बात करते हैं, बोला। अच्छा, फिर मैं समझ गया कि मैं आपसे, मैंने वीडियो दिखा था आप लॉयर है वहां का सब कुछ जानते हैं गवर्नमेंट का वो है, तभी मैं बोला चलो मैं पहले साहब को मैं पूछूंगा सारा सब कुछ, फिर मैं बोलूंगा आगे बात। चक्कर है भाई साहब, बता चक्कर क्या है। देखो पैसे तो मैं भी चार्ज करता हूँ, लेकिन आपकी इंक्वायरी सिंपल इंक्वायरी है, आपकी इंक्वायरी इतनी टेक्निकल नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम, अगर एक घंटा करीब लगेगा तो ठीक है, वी हैव टू चार्ज मनी, क्योंकि जैसे आप भी नौकरी करते हैं, आप भी तनख्वाह के बगैर नौकरी तो नहीं करते, वैसे भी कई लोग मेरे को कहते हैं कि जी आप बात करने के पैसे क्यों लेते हो जी, अब काम होगा पूरी एप्लीकेशन लेना, तो मैंने उनको ये कहता हूँ कि भाई एप्लीकेशन अपने आप ही कर लो आप, भाई एप्लीकेशन मेरे से क्यों कराओगे, अपनी आप मेरे से सीख लो एप्लीकेशन, अपने आप करो पैसे बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप टोरंटो में है प्रॉपर? नहीं, मैं टोरंटो में नहीं, बिल्कुल नहीं, कनाडा में। कनाडा टोरंटो से बहुत बड़ा है कनाडा। कई लोग ये समझते हैं कि हर एक आदमी कनाडा का टोरंटो में रहता है, ऐसा नहीं है, टोरंटो के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं यहाँ पर छोटे बड़े, तो मैं वहां से टोरंटो से 4,000 किलोमीटर दूर हूँ, अल्बर्टा नाम है उसका। हाँ, अल्बर्टा मैंने नहीं देखा है, नाम सुना है अल्बर्टा, वो बहुत बड़ा है, वो भी वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, टोरंटो के पास ऑन्टोरियो है सिटी, वही ना मैंने यूट्यूब पे देखा था वीडियो ऑन्टोरियो। हाँ जी, और दूसरी एक बात, शायद अगर मैं आ जाऊंगा वहाँ, अगर EMI निकालूंगा तो कुछ बनता है कोई भी जगह पे काम फ्रॉक क्लिप वाला? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि आपको LMI की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फ्रेंच का टेस्ट देते हैं, तो अगर आप आना आ रहे हैं, आने से पहले ही से आप कमर कस के आए, फ्रेंच का टेस्ट दे लें अभी से ही। तो अभी क्लास इधर चलता है वो फ्रेंच का भी इधर, मैंने आपको छोटा सा फॉर्मूला दे दिया, अगर आप फॉर्मूला ले लेंगे तो जिंदगी में तरफ तरफ कर जाएंगे आप, बाद में भी लेना पड़ेगा कभी ना कभी, अभी ले लें, आने से पहले ले लें फ्रेंच का टेस्ट ले लें, और जहां भी जाएं, जहां भी नौकरी मिलती है तो वहां के मालिक को बता दें कि मेरे पास फ्रेंच का टेस्ट भी है, तो जिस लॉयर से, जिस कंसल्टेंट से वो आपकी वर्क परमिट कराएंगे तो वो तो आपसे खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे LMI करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर काम हो सकता है तो फिर मैं देखूंगा अगले साल, फिर आपको मैं कॉन्टेक्ट करता रहूंगा। बिल्कुल, आप बड़ी बात, मेरे को बहुत खुशी हो गई बस आपसे बात मिलके, बात हो गई। सर जी बात मिलके खुशी हो गई, इतना काफी है, आपका काम हो जाएगा इतना 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 मेरे लिए काफी है, बाकी मेरे को कोई ना, मेरे को आपकी वर्क परमिट एप्लीकेशन करनी है ना, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, काफी है। मेरा पर्पस है कि अपना हाथ जगन्नाथ, सभी क्लाइंट्स को अपने आप बिल्कुल लगानी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी यार, तो शायद कितना हो सकता है मेरा वहां से वो पगार, 2,000-2,500 तक हो जाता है शायद ये इस। ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो आपने, जैसे आपने अगर वो फोकलिफ्ट का काम करते हैं, तो मैं देख हाँ लेता कितना होता है, एक सेकंड। हम्म, वो पता नहीं कितने कितने आपकी तनख्वाह टोरंटो एरिया में मिलेगी, मैं चेक कर लेता हूँ वहाँ पर, थोड़ा सा पता लग जाएगा। चलो बड़ी मेहरबानी। हम्म, नहीं, इसमें मेहरबानी कोई बात नहीं है, तो सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। करीब करीब आपको टोरंटो एरिया में जो तनख्वाह आपकी शुरू होगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको कम अराउंड $17 पर आवर मिल जाएगा। तो करीब करीब आप 17 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, कितने बनते हैं भाई साहब, करीब करीब $130 रोज के बन सकते हैं बिफोर बिफोर टैक्स। एम आई डूइंग दिस करेक्ट मैथ? 17 मल्टीप्लाई बाई 8 इज हाउ मच? या अबाउट क्लोज टू $130। सो $130 बिफोर टैक्स, टैक्स वाइज काट के वो ही कम करीब करीब $80-90 हाथ में आ सकते हैं। तो कमाई का तो इतना फर्क नहीं होने वाला, लेकिन आपकी मर्जी है। आपको अगर कनाडा में दिल लग रहा है तो कनाडा सही। ठीक है 2,200-2,300 भी, लेकिन वो जो रिश्तेदार बोला कि इला बहन को, मेरी वाइफ का इला नाम है, इला बहन को ने बोला ऐसे ही काम मिल जाएगा हाउस में, नो प्रॉब्लम, बोला इधर कोई भी जगह पे प्राइवेट, भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसलिए थोड़ा जो वो भी। जो भी आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, उससे कहना भाई साहब जो भी नौकरी करनी है हमें वर्क परमिट पे करनी है, लीगल करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल कैश कैश बिल्कुल कर लिया तो उसमें आपका प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी चलो आप समझदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताया आपने, सही बताया। हाँ ओके सर चलो साहब, साहब, धन्यवाद। कितना और बजे कोई? आपके वहां पे अभी? हमारे हमारे शहर में इस वक्त दोपहर के 2 बजे हुए हैं। यहाँ बजा शाम को 10:05 हुआ रात को। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। अगर दिल चाहे तो इधर आना हो तो आ जाना साहब, मेरा घर है इधर बाजू में, एयरपोर्ट के बाजू में बड़ा घर है, संदीप, मैं एयरपोर्ट में लेने आ जाऊंगा लेने के लिए, कोई बात नहीं। मैं तो इटली में, एक्चुअली पिछले साल भी मेरे को इटली में आने का मन था। पिछले साल भी मेरी बुकिंग थी इटली आने की, और मेरे हाँ को वेनिस जाना था। वहां पर वेनिस में वो एक, मैं ओ हो, एक तो पुराना ये पुराना एक हाँ गाना वेनिस है, तो एक पिक्चर है पुरानी, बिल्कुल दी ग्रेट गैम्बलर। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। उसमें अमिताभ बच्चन और जीनत अमान, पता नहीं परवीन बॉबी कौन थी, याद नहीं आ रहा। उसमें वो हाँ किश्ती में घूम रहे थे वेनिस में। तो मेरे मन में, हमने जो पिक्चर देखी थी, हमारी उम्र बहुत छोटी थी, तो वो हाँ हमारे मन में एक वो ऐसा एक बैठ गया कि भाई दुनिया में कुछ कहीं जाए ना जाए, लेकिन एक बार वेनिस जरूर जाना है। और मैंने बुकिंग भी करी थी पिछले साल, लेकिन वो बस किसी कारणवश वहां का कैंसिल हो गया, फिर कहीं से और हाँ लेके फिर मेरे को इंग्लैंड चला गया इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम वेनिस। हाँ तो अब वो वेनिस का मेरा जाना रह ही गया। अभी इटली में भी पिछले 6 महीने पहले कितने कोरोना वायरस वगैरह हो रहे थे, अभी और तो बिल्कुल ठीक हो हाँ, गए, अभी तो 10% है से, तो अभी तो अब कम है, बहुत कम, अगर कुछ अगर नहीं है। भगवान की कृपा होगी, अगर कुछ ऐसा कोई अनुकंपा होगी, तो जरूर इटली जाने का मौका, इटली में जाना जरूर है मेरे को एक बार। और इटली में जो एक टूरिस्ट है वेनिस के अलावा, जो एक बहुत जो है, टूरिस्ट फिरेन फ्लोरेंस टूरिस्ट है, प्लेस फ्लोरेंस जो बैठ, है, रोम है, 3-4 जगह बहुत सुपर है, मिलान है, और दो मिलान के अंदर बहुत बड़ा है सुपर, वो चर्च है वो, उन लोगों का, क्रिश्चियन का। सही बात है। तो आएंगे देखेंगे कैसा होता है। काफी मेरे को क्लाइंट्स वहां से, एक इटली से, स्पेन से काफी मेरे को इंक्वायरीज आती हैं, और मेरा बड़ा मन है कि जीवन जब से पहले, बिल्कुल बिल्कुल जीवन के समाप्त बिल्कुल होने से बिल्कुल, पहले बस कम से कम एक बस इस दर्शन बस, करना जो चाहिए। आपने दिल की बात बताई वही मैं बोलने वाला था, कि मेरे को भी जिंदगी में कनाडा में कनाडा देखना है बस। तो देख नहीं लेना, होगा, कनाडा में कोई बात नहीं, हाँ कनाडा नहीं तो। होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देखना तो जरूर है, टोरंटो तो सब कुछ अच्छा, बिल्कुल। टोरंटो तो अभी आप देख लेना, आपके पास तो यूरोपियन पासपोर्ट है, घूमने हाँ अगर बस देखना है तो आपको, अभी आप कोरोना वायरस का थोड़ा सा खत्म हो जाए, थोड़ा सा अभी आप देख सकते हैं आके, टोरंटो में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम टिकट लेंगे और इधर कुछ मांगेगा तो कुछ नहीं ना, सिर्फ ऑनलाइन पे बोला, 15 दिन पहले कुछ करना पड़ता है ऑनलाइन पे हाँ, बस, आपको और वो अप्लाई करना पड़ता है, ETA कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपकी हाँ हाँ बस बस जो ETA, आई डोंट नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, आप हाँ इसकी वेबसाइट भी जाके देख लेना। ETA हाँ आपको रजिस्टर करोगे कनाडा का, तो उस पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन से क्या है, व्हाट इज इट, ये
इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन, तो आप उसके आई थिंक दे आर ओनली चार्जिंग $7 राइट नाउ, होपफुली हाँ तो हाँ ये वो आपको आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बस। और मेरा घर से 350 किलोमीटर है, वेनिस तो वेनिस है, और मैं तो 6 दफा गया हूँ वेनिस, तो 6 दफा। अच्छा। मेरे को रोम देखना है, रोम जाना है, पॉप वाटिकन देखना है रोम। एक और मेरा मेरा इटली का मेरे को एक शौक है, जो मैंने पुरानी पिक्चरें देखी थी जहाँ पर वो रोमन एम्परर उसमें गुलामों को वो मारते थे, टॉर्चर करते थे और उनसे खेल खिलवाते थे, जो आपका वो एम्फी थिएटर है। वो शायद वो रोम में है, आपने बताई वो बात, वो रोम में है, बहुत बड़ा है वो जो वो रोम में वो। बहुत बड़ा है, हाँ हाँ रोम में। इससे पहले कि वो नष्ट हो जाए पहले वो भी देखना चाहिए एक बार कि वो हाँ कैसे कैसे बिल्कुल भी। करते थे, रोमन्स कैसे करते थे हाँ चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन ठीक सब इटली में पहले जैसा है ही नहीं, अभी थोड़ा बहुत इकोनॉमी डाउन है, और मेरा तो पुराना जॉब है इसलिए, क्योंकि अभी नया कोई जॉब नहीं मिलता है, अभी इतना आसान नहीं है, पहले जैसा नहीं है अभी। चलिए देसाई साहब, चलो और बिल्कुल बिल्कुल। कोई अरे साहब, चीजें। आपने बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने बात किया मेरे से, बस खुशी हो गई बहुत, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद साहब। ठीक है, अगर जय श्री कोई दिन कृष्ण। फिर याद आई तो मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल साहब। ओके ओके।